हाँ मैं मैसूर जाऊंगी, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। हाँ बिल्कुल सही बोला। आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की है मेरे से। काट दिया। मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊँ तो सही, जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर क्या है, मैं तो कभी आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं घुस जाऊंगी। ससुराल ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके। क्या बोलती हो? बिल्कुल सही। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे, उसकी अपने आप बच जाएगी। बैंड बजू ही है मेरे घर। हाँ मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या था जो क्या हुआ जो रोना बोले ना, मीडिया से काफी डर चुके थे आपकी पति चोर, मीडिया से काफी डर रही थी, जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए, जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति। राखी जी आपने जैसे कि आदिल पर केस दिया है, पति चोर है उस पर आपने कुछ कार्रवाई? सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस जो तो नहीं खाली बैठी है क्या? हौले हौले धीरे धीरे, अभी तो इतनी धाराएं हैं मेरे साथ साथ, 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही क्या? नहीं एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है, बट मैडम तो चुप चुप के रंगरलियाँ मना रही है, कैमरे सामने, कैमरे के सामने तो पति चोर डर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना, ऐसा क्यों किया तूने, मेरा घर क्यों जाना, ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे इनसे पूछो? अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए, चोर एक बार सामने तो आए, वो इंसान जो डर रहा है 100% वो चोर है। वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियां दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर लो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर लो, उनके साथ इतना बर्ताव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उन पे? भाई तेरी बहन है? आपकी बात कर नहीं नहीं आपकी बहन है, आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई, मेरा केस सुनो। तो फिर अगर जो अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको आपको उस पर दया आ रही है क्या, उसने जितना मुझे टॉर्चर किया है, मेरा केस पढ़ो, आप समझ रहे हो ना, बहुत बहुत सहा है मैंने, मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया, अब उसके रोने के दिन आए हैं। अभी तो पुलिस जो मुझे ओशिवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकला है, मेरी पूंजी निकला है, मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना, मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है, नो डाउट पति पत्नी का मामला है कोर्ट के हाथ में और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है, और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। क्या बोलते हो? 100%